गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। एक बार फिर से मैथ्स पढ़ो चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से यह तो हमेशा चलता ही रहेगा, है ना। तो पिछले चार मैंने वीडियोस भेजे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, आप लोगों ने देखा भी, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आपने लिखे हैं। तो अब हर वीडियोज में पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स भी मैं पढ़ा करूंगा और उस कमेंट्स में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, जनरल क्वेरी हो, तो आप बिल्कुल खुल करके पूछ सकते हैं। आपकी उस क्वेरी का जवाब मैं अगले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। पिछले वीडियोस के आज कुछ क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा, ठीक है, वो बाद की बात है। तो पिछले चार वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया, देखिए मैं आपसे तेज चलना जानता हूं, एक बात तो हमेशा याद रखिएगा। जिस स्पीड से आपको मेरे वीडियोज देखने चाहिए, उस स्पीड से आप नहीं देख पा रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, नहीं तो मैं हर दिन दो दो वीडियो डाल दूं, ठीक है। लेकिन मैंने एक दिन का इसलिए ब्रेक लगा दिया कि नहीं, अभी आप पहले चार वीडियो देख लो, फॉर्मूलेस के ऊपर कमांड कर लो, उसके बाद आज आप पांचवा वीडियो देखना। तो आज के वीडियो में मैंने अब बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, सारे के सारे जो कलेक्शन है वो आपके एनसीईआरटी के हैं। और देखिए इस वीडियो का खूबी क्या है कि हर क्वेश्चन के साथ अब आपको स्टार रेटिंग मिला करेगा, यानी कि मैं हर क्वेश्चन के साथ 3 से लेकर 5 स्टार दिया करूंगा, 3, 4, 5 स्टार दिया करूंगा। 3 स्टार बोलने का मतलब है कि वहां क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। अगर 4 स्टार बोलूं तो थोड़ा सा टफ हो गया, 5 स्टार मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन हर बार वो बार बार पेपर में पूछा जाता रहा है। तो रेटिंग मतलब ये अपना मेरा इंडिविजुअल रेटिंग है, जो मेरा 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है कि कौन से क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो फ्रिक्वेंटली पूछे जाने की ये रेटिंग है, एक बात याद रखिएगा। उसके बाद टाइप बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन है आपके सीबीएसई बोर्ड 2021 के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है, या सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में, यह भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मेरे वीडियोस को बहुत सारे बेसिक लेवल के बच्चे भी देख रहे होंगे, स्टैंडर्ड लेवल के बच्चे भी देख रहे होंगे, तो यह भी बताऊंगा कि यह क्वेश्चन किस लेवल का है। यह अपने आप में एक यूट्यूब के ऊपर एक हिस्ट्री है, यूनिक है, आज तक आपने यूट्यूब पे ऐसे कोई भी वीडियोस नहीं देखे होंगे, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और हेल्पलाइन नंबर है 9717432432। बहुत जल्दी यानी कि आने वाले थर्सडे से मैं अब आप सबके साथ लाइव सेशन भी लेकर आ रहा हूं और हफ्ते का 2 दिन मेरा लाइव सेशन होगा, एक थर्सडे को होगा और एक संडे को होगा। थर्सडे वाले लाइव सेशन में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का मैं ट्रेंड्स आपको दिखाऊंगा और संडे वाले जो लाइव सेशन होगा वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। सबके लिए एक्सेस फ्री है, तो आप सारे दोस्तों के साथ यह चीज बिल्कुल आप स्प्रेड कर दें, राइट, है ना। चलिए तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो -81 है। फिर पूछा जा रहा है कि क्या इसका कोई भी टर्म जो है जो 0 होगा, ठीक है, ये दो चीज क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले स्टार रेटिंग की बात करूं तो इस क्वेश्चन की रेटिंग मैं 4 स्टार दूंगा। टाइप जो होगा आपके बोर्ड के पेपर में, याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में हो सकता है या सेक्शन बी में हो सकता है, यानी कि 1 मार्कर या 2 मार्कर आ सकता है। 1 मार्कर अगर मैं बोलूं तो याद रखिएगा यह क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ सकता है। आप पूछेंगे इसका लेवल क्या होगा, तो यह बेसिक लेवल का क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कह रहे इसका कौन सा टर्म -81 होगा। तो बच्चों मान लिया कि इसका लेट एनेथ टर्म जो है ना, एनेथ टर्म जो है इज -81। तो एनेथ टर्म बोले तो आपको बता चुका था ए एन, तो यहां पर मतलब कि ए एन का वैल्यू -81 आ जाएगा। और एन का पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ए प्लस एन -1d जो होगा -81 के बराबर होगा। अब यहां पर देखिए आपके पास ए का वैल्यू 21 है और बच्चों डी का जो वैल्यू है 18 -21। जब हम डी निकालते हैं तो सक्सीडिंग टर्म से क्या करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं, तो ए आपके पास -3 आ गया। तो ए और डी का हमें वैल्यू मिल गया। अब यहां पर ए और डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ए आपके पास 21 है और यहां पर एन -1 और डी के जगह पे -3 इक्वल्स टू -81। अब जब आप इसे आगे निकालेंगे तो आपके पास 21 आ जाएगा और यहां पर -3n आएगा, ध्यान रखिएगा, और यहां पर +3 आएगा, दैट इक्वल्स टू -81। और यहां पे 21 और 3 क्या हो गया, 24 -3n इक्वल्स टू -81, यानी कि -3n जो हो गया -81 और -24 होगा और ये -3n इक्वल्स टू
80 और 20 100 हो गया, यानी कि -105 होगा, माइनस और माइनस कट जाएगा और 105 अपॉन 3 आएगा, 3 जा 9, 1 कैरी किया 5 जा 15, 3 जा 15, यानी कि 35 जो है वो याद रखिएगा इस एपी का 35वें नंबर पे, 35th नंबर का जो टर्म होगा वह क्या होगा, -81 होगा। ऐसा जब भी आप पेपर में मेरे बच्चों आप करते हो तो एक बार रीकरेक्शन करने की अपनी आदत जरूर डालना, ऐसा करने से एकदम से एरर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा वक्त लगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देखिए, आराम से समझिए। अभी भी हमारे पास 7 महीने का वक्त पूरा बचा हुआ है और 7 महीने में तो बड़ी से बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। 100 मार्क्स तो बहुत छोटी सी चीज है यार, ठीक है, टेंशन मत करो। तो मैंने कहा कि इसका -81 एनथ टर्म है, एनथ टर्म बोले तो an, तो an -81 आ जाएगा। यहां पर a का वैल्यू 21 है, d का वैल्यू 18 से 21 माइनस करेंगे, सक्सीडिंग से प्रिसीडिंग तो -3 बचेगा, तो a प्लस एन माइनस वन डी -81 हो गया। अब यहां पे 21 आ गया, n माइनस वन, डी के जगह पे -3। अब आराम से ब्रैकेट को ब्रेक करो, -3 को n से तो -3n, -3 को -1 से तो +3 -81, 21 और 3 जो हो गया दैट विल बी 24, -3n इक्वल्स टू -81, तो -3n इक्वल्स टू -81, -24, -3n इक्वल्स टू 80 और 20 100, -105। अब n निकालेंगे 35th। तो दोबारा रीकरेक्शन करने की आदत आपको डालनी चाहिए, ठीक है। आप अगर ऐसा डालते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स में एरर होने का चांस नहीं रहेगा। और सेकंड पार्ट है, मैथ्स को आप बोल करके किया कीजिए, जैसे मैं बोल करके कर रहा हूं। आप अगर बोल कर करेंगे तो चीजों को बड़े आसानी से सीखेंगे और बहुत जल्दी सीखेंगे। अब इसका अगला पार्ट जो बच्चों पूछा जा रहा था कि क्या जीरो इसका कोई टर्म होगा, या पूछा जा रहा है, तो बहुत यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या जीरो कोई इसका टर्म होगा। तो मैं यहां पर इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है, कि क्या इसका जीरो कोई टर्म होगा। तो मान लिया भाई कि इस एपी का जो एनथ टर्म है वो जीरो है, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन डी जो है वो जीरो है। ए का वैल्यू आपने देखा था 21 लिया था और एन माइनस वन और डी का वैल्यू -3 लिया था, दैट इक्वल्स टू जीरो आ गया, यानी कि 21 और -3n और +3 इक्वल्स टू जीरो आ गया। आप यहां पर देखो -3n एंड +24 इक्वल्स टू यहां पर क्या आ गया, -3n एंड +24 इक्वल्स टू जीरो आ गया, यानी कि -3n इक्वल्स टू -24 आ जाएगा और n इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, यानी कि यस इसका जीरो एक टर्म होगा। आठवें नंबर पे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवें नंबर पे चेक करोगे बच्चों तो जीरो आएगा, यानी कि यस इसका जो जीरो जो है वो टर्म होगा, यस रखिएगा। और एक बात आप लोग को मैंने बताया था, शायद आपको याद हो, कि n जो है दैट इज अ नेचुरल नंबर, हमेशा प्राकृत संख्या होगा, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, कभी भी रूट में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा n हमेशा कभी नेगेटिव नहीं होगा, n हमेशा नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरीके से होगा। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी, जिसकी स्टार रेटिंग 4 है, टाइप सेक्शन ए या सेक्शन बी में पूछा जा सकता है। अगर हम लेवल की बात करें तो बेसिक, और साथ में जरूर देखिएगा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार रेटिंग सबसे पहले आते हैं, कह रहे कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। तो स्टार रेटिंग इस क्वेश्चन की मैं 5 स्टार की रेटिंग दूंगा। टाइप जो होगा अगेन इसका सेक्शन ए में आ सकता है या सेक्शन बी में पूछा जा सकता है, यानी कि 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकते हैं। डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म, अगेन मेरे अकॉर्डिंगली बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड लेवल का नहीं है, बहुत ही सिंपल और एक सामान्य सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप बहुत टीचर आपको इसको स्टैंडर्ड लेवल में भी इसको दे सकते हैं, थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना है, लेकिन हल्का लगाना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली बेसिक लेवल का क्वेश्चन बनता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक एपी है जिसका थर्ड टर्म जो दे रखा 5 है बच्चों, यानी कि इस एपी का थर्ड टर्म 5 है, यानी कि A3 5 है। और किसी भी एपी का जो तीसरा टर्म होता, आप सबको बताया था कि ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, यानी कि ए प्लस 3 - 1d होगा, यानी कि ए प्लस 2d जो होगा वो 5 के बराबर होगा। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पहले पुराने वीडियोस को देखिए, ठीक है, 1 2 3 4 फॉर्मूले वाले वीडियो को, फिर यहां अगर आप देखेंगे तो वाकई में आप बहुत एंजॉय करेंगे।
और उसी एपी क्या कह रहा है कि थर्ड टर्म 5 है और सेवेंथ टर्म 9 है, यानी कि ए 7 जो है 9 के बराबर दे रखा है, यानी कि ए प्लस 6 डी जो है वो 9 के बराबर है। तो अब हमारे पास देखिए दो कंडीशन आ गए हमारे पास, है ना, तो यानी कि ए प्लस 2D आपके पास 5 के बराबर है और ए प्लस 6D ये आपके पास 9 के बराबर है। एक तरह से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स आ गया है ना, यानी कि आप साइन चेंज करेंगे माइनस 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 तो ये दोनों कटेगा, 2D से 6D माइनस होगा तो ये माइनस 4D हो जाएगा, 5 से 9 गया तो ये माइनस 4 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, डी जो है बच्चों 1 के बराबर आएगा। तो डी तो 1 के बराबर आएगा, इस डी की वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट कर दें तो यानी कि ए प्लस 2D 5 के बराबर है और ए 2 × 1 दैट इज 2 इक्वल्स टू 5 के बराबर है, तो ए का वैल्यू 5 माइनस 2 जो है वो 3 के बराबर हो गया, यानी कि ए हमारे पास 3 आ गया, ठीक है, और डी हमारे पास 1 आ गया। तो जब ए और डी हमें पता हो तो एपी निकालने का हमने आपको तरीका बताया था कि एपी का पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म ए प्लस डी होगा, तीसरा टर्म ए प्लस 2D होगा एंड सो ऑन। अब इनकी वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि 3 आ गया, 3 एंड 1 जो हो गया 4 हो गया, और 3 एंड 2 × 1 3 प्लस 2 क्या होगा आपका ए 5 हो जाएगा, तो 3 4 5 ध्यान रखिएगा यह आपका एपी बनेगा, यानी कि एपी का पहला टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो प्रीसीडिंग टर्म में अगर फिक्स नंबर को हम ऐड करते जाएंगे तो अगला टर्म हमारा निकलता जाएगा, दैट मींस कि रिक्वायर्ड जो एपी होगा दैट विल बी 3 4 एंड 5 होगा। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं चीजों को, अच्छे तरीके से इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बार बार मैं कहूंगा पहले वीडियो को देखिए 1 2 3 4 को, तब क्वेश्चंस करने में आपको वाकई में मजा आएगा। चलिए नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। हर वीडियो में कम से कम मैं 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। या तीसरा क्वेश्चन है, करें कि चेक वेदर 301, करें कि चेक करके बताइए कि जो एपी आपके पास दे रखा है क्या इसी में आगे चलते रहेंगे तो 301 आएगा, 301 आएगा, यही तो पूछा जा रहा है भाई। 5 11 17 23 आगे चलते रहे तो क्या 301 आएगा, यही पूछ रहा है। तो मान लेंगे हम कि माना भाई कि इस एपी का जो nth टर्म है, nth टर्म जो है वो 301 है, और nth टर्म बोले तो an जो है वो 301 है, तो इसका मतलब हो गया कि a प्लस n माइनस 1d जो है वो 301 है। इसकी रेटिंग भी मैं 5 स्टार की रेटिंग दूंगा, टाइप जो होगा सेक्शन ए में आ सकता है या सेक्शन बी में आ सकता है, यानी कि 1 मार्कर में हो सकता है या 2 मार्कर में हो सकता है, लेवल में बताऊंगा आपको बेसिक, ये मेरा अपना मानना है कि बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। तो अब चलिए ए की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ए हमारे पास यहां पे चेक करो, ए का वैल्यू 5 है, और बच्चों जब डी चेक करेंगे तो 11 से 5 गया 5, ए आपके पास 6 बचेगा, है ना, 6 बचेगा, तो ए आपके पास 5 आ गया, उसके बाद एन माइनस 1 डी आपके पास 6 आ गया, एंड दिस इक्वल्स टू 301 आ गया। अब आपके पास 5 आएगा और आएगा 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 301 आएगा। अब जब इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो ए 6n 5 माइनस 6 करोगे तो माइनस 1 इक्वल्स टू 301 आएगा, यानी कि 6n जो होगा वो 302 होगा, यानी कि n जो होगा वो अब चेक कर लो कि 302 डिवाइडेड बाय 6 होगा, तो 23 जा 6 आपने चेक कर लिया एंड 251, तो ए 151 बाई, देखो 151 बाई 3 आ गया, यानी कि अभी 3 से नहीं कटना है, 3 से नहीं कटना है, दैट मींस के फ्रैक्शन में आ गया, ये तो बात क्लियर है ना, ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया। तो और ये कभी भी एन नेचुरल नंबर ये नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैंने बोला था आपको कि एन जब भी आप निकालोगे तो संख्या है, काउंटिंग का नंबर है, 1 2 3 4 इस तरीके से, तो यहां पर फ्रैक्शन में नहीं अगर आ गया तो एन नहीं होगा, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो जो नहीं होगा दैट मींस कि चेक वेदर पूछ रहा है कि क्या है, तो नो आप लिखोगे नो, 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवेन एपी, यानी कि गिवेन एपी का वो टर्म नहीं होगा। देख लिया आपने कि 301 जो है वो गिवेन एपी का टर्म नहीं होगा, ठीक है, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। और पिछले वीडियो में, ठीक है, भारती को मैं थैंक्स करना चाहता हूं, भारती ने ग्रेट वीडियो सर लिखा था, उसके बाद एक बटरफ्लाई क्यूटी लिख रही है, आई एम फ्रॉम प्रगति वर्मा चैनल से हूं,
ठीक सी टोल्ड अस यू आर अ ग्रेट टीचर एंड योर एक्सप्लेनेशन इज ऑसम आई ऑल्सो थॉट इट ठीक है थैंक यू सो मच बटरफ्लाई आप क्यूटी आपका नाम कुछ और होगा ठीक है यहां पे तो नाम आपका ये दिख रहा है तो आपको दिल से मैं थैंक्स करना चाहता हूं ठीक है और प्रगति को भी दिल से थैंक्स करना चाहता हूं ठीक है फॉर रिकमेंडेशंस और आपको ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आप लोगों का नाम कभी भी मैं झुकने नहीं दूंगा सो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है जस्ट यू हैव टू पुट योर एफर्ट आप लोग को अपने एफर्ट पुट करने हैं और मैं आप सबके साथ पूरे सपोर्ट में खड़ा हूं कहीं कोई आप लोग को प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूंगा तो आप दोनों को दिल से थैंक्स इसी तरीके से आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ता रहूंगा ठीक है आप लोग जो कमेंट्स लिखते हैं उसमें कोई अगर आप लोग की क्वेरीज हो तो अपने क्वेरीज भी आप लोग लिख सकते हो ठीक है चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन में यह हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आ गया दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4th यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की भी रेटिंग मैं 5 स्टार दूंगा ठीक है साथ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख देता हूं ठीक है एक टाइप यहां भी टाइप ए और बी में आ सकता है या एक टाइप ए में अगर आएगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है लेकिन कभी कभी एक टाइप सी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है अगर लेवल की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का बनता है करे कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 करे कितने 2 डिजिट के नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे देखो 2 डिजिट का पहला नंबर 12 है जो 3 से डिविजिबल है उसके बाद 15 है जो 3 से डिविजिबल है फिर 18 है 3 से डिविजिबल है और यहां पर 99 है जो 3 से डिविजिबल है तो यह जो बन गया हमारा एपी बन गया है ना यानी कि इस एपी में ए का वैल्यू 12 होगा और डी जो होगा वो आपके पास 3 होगा अब यहां पर देखो लास्ट टर्म आपके पास गिवन है 99 और मैंने एक वीडियो में 3rd या 4th वीडियो में बताया था कि जो लास्ट टर्म होता है वो हमेशा लास्ट टर्म जो होता है हमेशा nth टर्म के बराबर होता है आप वीडियो देखिएगा जो लास्ट टर्म होगा हमेशा nth टर्म के बराबर होगा यानी कि an का वैल्यू जो है ना वो 99 है यहां पर लिख सकते हो सिंस an इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो l ठीक है तो अब देखो an यहां पर a प्लस एन माइनस 1d जो है बच्चों वो 99 के बराबर है तो यही पूछ रहा है कि एन पूछ रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कितने वो 2 अंकों की संख्याएं होंगी ठीक है जो 3 से विभाजित होंगी 3 से डिवाइड हो रही होंगी तो अब यहां पर ए का वैल्यू बच्चों 12 है एन माइनस 1 और डी जो है दैट इज 3 एंड दिस इक्वल्स टू 99 आ गया ठीक है अब यहां पे 12 प्लस क्या होगा 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 99 आ जाएगा बच्चों है ना ए आपके पास आ जाएगा इसका मतलब कि 3n और 12 से जब 3 जाएगा तो ए बचेगा आपके पास पॉजिटिव 9 इक्वल्स टू 99 दिस इंप्लाइज 3n इक्वल्स टू 99 माइनस 9 होगा यानी कि यहां पे 3n जो होगा वो 90 के बराबर होगा और n जो होगा वो 30 के बराबर होगा यानी कि 2 डिजिट की संख्याएं अगर हम लें 12 से ले 99 तक तो टोटल 30 नंबर्स होंगे दैट विल बी डिविजिबल बाय 3 तो एक बहुत अच्छा और एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको मिला है जिसकी रेटिंग हमने 5 स्टार की रेटिंग करी हुई है टाइप एबीसी ए में अगर आता है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बाकी यूजुअली आप सी वाले यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं अगर मुझसे पूछो तो स्टैंडर्ड में है तो स्टैंडर्ड बेसिक का अपना मानना है अपना एक तरीका है मानने का थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना पड़ रहा है थोड़ा सा वहां पे सेंस ऑफ लगाना पड़ रहा है हमें तो मैंने इसको स्टैंडर्ड लेवल के कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखा है चलिए अब आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं लेकिन लास्ट क्वेश्चन के पहले कुछ बच्चों के मैं कमेंट जरूर पढ़ना चाहूंगा भारती चावला लिखता है कि वीडियो सॉरी थैंक्स उसके बाद लिखती है कि सर योर एक्सप्लेनेशन इज ग्रेट ठीक है थैंक्स टू प्रगति डी फॉर रिकमेंडेशन दिस चैनल चलिए भाई ठीक है थैंक यू सो मच टेक्निकल वर्ड लिखते हैं ड्यू टू प्रगति दी आई एम हियर एंड सर इज सच अ नाइस पर्सन ठीक है आप सबको दिल से थैंक्स ठीक है बाकी एक बच्चे ने और भी क्वेश्चन लिखा था कि सर क्या हमें एग्जाम आइडिया की बुक जो है वो पढ़ना चाहिए तो अब नाम आपका एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं याद है तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अभी एग्जाम आइडिया पढ़ने का टाइम नहीं है अभी आप अपने एनसीईआरटी पे बहुत स्ट्रांगली कमांड करें एनसीईआरटी पर अगर स्ट्रांगली कमांड हो रहा है तो एनसीईआरटी एग्जेम्पलर की बुक ले लें उस बुक के ऊपर कमांड करें
इन दोनों किताब के ऊपर बहुत स्ट्रांगली कमांड कर लेते हैं, और मेरे सारे वीडियोस को प्रॉपर तरीके से अगर आप देखते हैं, मेरे लाइव सेशन को अटेंड करते हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको और कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी रेस्ट इज योर विश, आप चाहते हैं तो जितनी भी किताबें पढ़ें, किताब की तो मार्केट में कोई कमी नहीं है। अब बात रही एज फार एज एग्जाम आइडिया इज नॉट अ टेक्स्ट बुक। एग्जाम आइडिया में सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि एग्जाम आइडिया पढ़कर के हम अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। आप एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर पढ़कर के बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर आपको अलग से कोई किताब पढ़ने का ही शौक है तो आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल अगर आप कर लें तो आप बिल्कुल ही 100% सेफ जोन में रहेंगे और 100 नंबर भी बड़े आराम से आप लेकर के आ सकते हैं। आइए अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। अब देखिएगा 11th टर्म फ्रॉम द एंड हमें निकालना है, यानी कि 10 और यहां पे 7 और यहां पे उसके बाद 7 के बाद 4, ठीक है, और यहां पे डॉट डॉट ऐसे -62 चल। अब हमें करें कि 11th टर्म फ्रॉम द एंड, तो मैंने दूसरे वीडियो में बताया था कि nth टर्म फ्रॉम द एंड का क्या फॉर्मूला होगा। तो मैंने वहां पे बताया था कि nth टर्म फ्रॉम द एंड का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि l माइनस एन माइनस वन डी। आप चेक करो यहां पर भाई, आपके पास a तो 10 है और d 7 से 10 जाएगा तो दैट विल बी -3 और लास्ट टर्म आपके पास बच्चों -62 है, ठीक है। अब देखो इसको मैं दो तरीके से करा रहा हूं, जरा आराम से इस वीडियो को देखना, और अगर आप पूछो तो स्टार रेटिंग इसकी मैं 4 स्टार की रेटिंग दूंगा, ठीक है, और टाइप आपका फिर से आ गया ए और बी टाइप में, और क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो यहां पर मैं बेसिक लेवल का इसे रखूंगा, बेसिक लेवल के कैटेगरी में इसे मैं रखूंगा। अब आते हैं एल माइनस, तो एल आपके पास क्या -62 माइनस एन पूछ रहा है, एन यहां पर क्या हो गया 11 हो गया, क्योंकि पूछ रहा है कि 11th टर्म फ्रॉम द एंड, तो एन 11 हो गया, तो 11 माइनस 1 और डी का जो वैल्यू है दैट इज -3, यानी कि -62 और -11 से 1 गया तो ये 10 बचा और यहां पे -3 बचा, यानी कि -62 और -- प्लस 10 3 30, यानी कि ये आएगा -32 आएगा, यानी कि अगर इसका हम 11th टर्म फ्रॉम द एंड अगर निकाले, लास्ट से निकाले, तो रिजल्ट जो होगा दैट विल बी -32 के इक्वल होगा। याद रखिएगा एल माइनस एन माइनस वन डी होता है, लास्ट टर्म आपके पास -62 है, एन 11 है, -1 और डी का जो वैल्यू है दैट इज -3 के बराबर है, तो -62 -10 -3, तो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो रिजल्ट विल बी क्या होगा -32 के इक्वल होगा। तो यह आज की वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस थे। आज अब हमने नया चीज क्या लिया, जो बच्चे जो 2021 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर दे रहा है, अब हर क्वेश्चंस के साथ स्टार रेटिंग दिया जाएगा, टाइप दिया जाएगा, उनका लेवल दिया जाएगा, लेकिन सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के मैथ्स पढ़ो ऐप को भी जरूर जरूर आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, काफी सारी चीजें ऑनलाइन टेस्ट वगैरह वहां पे फ्री एक्सेस आप सबको मिल जाएगा। बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, उसमें से कुछ ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री है सारे बच्चों के लिए, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी याद रखिएगा एवरी थर्सडे 7 बजे, एवरी संडे 7 बजे, यानी कि 7 PM मैं आप सबके साथ इंडिया, इंडिया के बाहर सारे बच्चों के साथ, यहां की स्टेट लेवल के बच्चे जो हैं, स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम्स दे रहे हैं, जिनका एनसीईआरटी करिकुलम है, वह भी उस सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइव सेशन में थर्सडे को प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड्स डिस्कस होगा और संडे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो क्विज के फॉर्मेट में होंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।